तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल हुरिकेन राइडर। तो हम लोग अभी केटीएम गोसुप के शोरूम में बाहर खड़े हुए हैं यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद ही हमारा डिलीवरी भी होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूक 250 का जो BS6 वाला मॉडल है वो यहाँ पे है। तो मुझे तो पर्सनली यह लगता है कि नया वाला कलर ज़्यादा अच्छा है इससे। इसमें ऑरेंज बॉट है गाइज, मेरे माइक ने धोखा दे दिया था। कुछ पार्ट का ऑडियो ही करप्ट हो गया, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ा। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहे, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। 250 BS6 का न्यू कलर, इसमें जो ऑरेंज है ना गाइज, वो मैट में है, ग्लॉसी नहीं है। वीडियो में आपको ऐसा लग सकता है कि ग्लॉसी है, लेकिन मैट है, ग्लॉसी नहीं है। बाकी साइड पैनल में आपको ग्लॉसी मिल जाएगा, और टैंक भी इसका कुछ ग्रे टाइप सिल्वर टाइप का है, ऐसा मैट है लेकिन ग्लॉसी नहीं है। तो आप लोग गाड़ी को ठीक से देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये अपने फाइलों यहाँ पे। तो ड्यूक 250 BS6 में आप लोगों को कुछ मेजर अपडेट तो नहीं देखने मिलेगा। कंपनी ने सिर्फ कलर स्कीम और ग्राफिक में ही थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। वैसे भी मेरे हिसाब से बाइक को कुछ अपडेट का ज़रूरत भी उतना खास ज़रूरत नहीं था। बाइक का डिज़ाइन देखने में अभी भी बहुत फ्रेश और एट्रैक्टिव लगता है। और अगर मैं बाइक के इंजन की बात करूँ तो इंजन भी सेम ही है जैसा पहले के कलर के साथ आता था। आप लोगों को वही 248.8 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक BS6 इंजन मिल जाएगा, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 30 HP और 24 Nm का टॉर्क। आप लोगों को 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, ड्यूअल चैनल ABS, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा, और बाइक का ड्राइव वेट है 161.9 kg। और ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 265,000 में आपको बाइक मिल जाएगा। ये मैं अपने आसाम की बात कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। और एक बार बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं कैसा है। बाइक का डिलीवरी हो गया है गाइस, 250। तो भाई कॉन्ग्रेस ब्रो, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है न्यू बाइक लेके? मजा लग रहा है, हुली मारने का मन कर रहा है। ए गाइस देखो, अभी से हुली मारने का बात कर रहा है। अभी लड़की घुमाएगा, और ये सब भाई लोग हमारे